सब्जी विक्रेता किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेगा JBKSS। जन मुद्दों पर लगातार आंदोलनात्मक कार्रवाई करने वाली टाइगर जयराम महतो की पार्टी JBKSS रामगढ़ डेली मार्केट में किसानों को उत्पन्न समस्याओं के निदान के लिए आंदोलन के मूड में है। जिसके तहत झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल रामगढ़ डेली सब्जी मार्केट में किसानों को उत्पन्न समस्याओं को समाधान के लिए रामगढ़ उपायुक्त श्री चंदन कुमार से मिला और ज्ञापन सौंप कैंटोनमेंट बोर्ड अंतर्गत डेली मार्केट के किसानों को हो रही दिक्कत से अवगत कराया, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं छावनी डेली मार्केट के किसान सब्जी विक्रेताओं के समस्या के निराकरण करने की मांग कर रहे JBKSS के प्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं के निदान नहीं होने की सूरत में उग्र आंदोलन की भी बात कही है। सभी को जोहार, हम लोग आज DC ऑफिस आए हैं और DC से हम लोग का आज वार्ता हुआ। काफी हम लोग संघर्ष किए थे तो आज हम लोग 2-3 दिन के बाद DC से मुलाकात हुई है। तो हम लोग रामगढ़ में जो टेकर स्टैंड के पास डेली मार्केट है, तो हम लोग का अगर सकारात्मक पहल अगर नहीं होता है या DC अपना संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम लोग पूरी आंदोलन करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो भी वहाँ अनलीगल काम हो रहा है उस पर हम लोग काफ़ी हम लोग अपना वहाँ पर आंदोलन करेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सबको जोहार। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बीते कुछ दिनों से लगातार रामगढ़ का जो डेली मार्केट है वहाँ पर गंभीर मामला सामने आ रहा था। और मामला यह था कि वहाँ के आसपास के जितने भी किसान हैं, मतलब रामगढ़ के आसपास के जितने भी किसान हैं, सभी को अपना टोकरी लेकर के वहाँ पर दिन प्रतिदिन जाते थे 1-2 घंटा के लिए सब्जी बेचने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भेदभाव और उन लोगों को हीन नज़रिया से देखा जा रहा था। और उनका जो भी सामान रहता था, सब्जी रहता था, टोकरी रहता था, उन सबों को छावनी परिषद वाले जबरन अधिग्रहण कर ले रहे थे। उनका कहना था कि आप लोगों को यहाँ मार्केट में बैठने का कोई ये नहीं, औचित्य नहीं बनता है, आप लोगों को विशेष जगह दिया गया है। लेकिन जबकि विशेष जगह का जब बात आता है तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं। और सरकार पूरी तरह से कह सकते हैं, छावनी परिषद पूरी तरह से कंठस्थ नहीं है कि वही जगह पर ग्रामीण जाकर के सब्जी बेचेंगे। और उस विषय में हम लोग आज DC महोदय से मिल करके बात किए कि जो भी परेशानियाँ हो रही है किसानों के साथ में, उन सबों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए और उन्हें एक उचित जगह दिया जाए जहाँ पर वे अपना रोजी रोटी खातिर जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो उसमें उन सबों को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। इन विषयों पर हम लोगों ने DC महोदय से बात किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग जल्द ही इस पर पहल करेंगे।